सो फ्रेंड्स, क्या आपका भी माउस या कर्सर स्टक हो गया है, यानी कि वो कोई भी क्लिक्स नहीं कर पा रहा है, कहीं पर भी कोई ऑप्शंस ओपन नहीं कर पा रहा है, यहाँ से जो है आपका माउस यहाँ कहीं भी क्लिक नहीं कर पा रहा है, किसी भी ऑप्शंस को ओपन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ और ये कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ। सो आपको करना बस ये है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। सो हेलो गाइस, दिस इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग गुड लर्नर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि प्रॉब्लम क्या होती है, कि जैसे मैं फाइल पर क्लिक कर रहा हूं तो ये ओपन नहीं हो रहा है, मैं एडिट्स पर क्लिक कर रहा हूं तो ये भी ओपन नहीं हो रहा है, मैं कहीं भी किसी भी ऑप्शंस पर क्लिक कर रहा हूं, मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूं तो ये जो मेरा माउस है या फिर जो आपका कर्सर है वो स्टक हो गया है, यानी कि काम करना उसने बंद कर दिया है। तो ऐसे में आपको करना ये है कि आपको ऑप्शंस में जाना है। अब आप ऑप्शंस में कैसे जाएंगे, क्योंकि आपका तो कर्सर ही काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपको करना ये है कि अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस ओ को प्रेस करना है, दोनों को साथ में, यानी कि ऑल्ट प्लस ओ को आपको साथ में प्रेस करना है, तो आपके जो ऑप्शंस है वो ओपन हो जाएगा और देन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। देन क्योंकि आप अपने माउस से किसी भी ऑप्शंस को क्लिक नहीं कर सकते, तो ऐसे में आपको स्क्रॉल डाउन करना है और एनवायरनमेंट पर आना है। तो अगर आप स्क्रॉल करना चाहते हैं तो स्क्रॉल कर सकते हैं, या फिर अपने माउस से डायरेक्ट ई प्रेस कर सकते हैं तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो ओपन हो जाएगा। देन आपको फिर से करना ये है कि आपको जो है कलर्स में जाना है। अब या तो आप फिर से स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं और एंटर मार सकते हैं, या फिर आप सीधे सी को प्रेस कर सकते हैं। देन आपके जो विंडो स्क्रीन पर है ये इंटरफेस आएगा, यहाँ पर ग्रुप्स में आपको जो है पुल डाउन माइनस को सेलेक्ट करना है। अब फिर से वही प्रॉब्लम है कि आप सेलेक्ट नहीं कर सकते और ऐसे में आप कोई भी कीबोर्ड से अपना की भी प्रेस नहीं कर सकते, जैसे कि पुल डाउन माइनस में अगर मैं पी प्रेस करूँ तो वो ओपन हो जाएगा, तो ऐसे में आपको स्क्रॉल डाउन ही करना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करके पुल डाउन माइनस पे आएंगे तो ये हाईलाइट हो जाए, तब आपको इसे ओपन करना है। तो जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करेंगे तो आपका वो सारा कुछ हट जाएगा और आपका माउस जो है यहाँ पर आ जाएगा। देन अब आप अगर कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपका जो माउस है वो वर्क करना चालू कर देगा, यानी कि आप कोई भी ऑप्शंस क्लिक कर सकते हैं, डेबग, प्रोजेक्ट, अब नाउ आप ऑप्शंस को भी क्लिक कर सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग।